पार्टियों के घोषणा पत्र पर चुनाव आयोग की नजर। पार्टियों के फ्री वादों को लेकर अब चुनाव आयोग सख्त। फ्री वादा करने पर चुनाव आयोग को देना होगा ब्यौरा। सरकार बनने के बाद जनता के वादे कैसे पूरे करेंगे चुनाव आयोग। चुनाव से पहले पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें लिखती हैं, फ्री का लालच देकर चुनाव जीतने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन अब इन पार्टियों पर लगाम लगेगी। जी हाँ, फ्री को लेकर के अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने अब साफ कर दिया है कि अगर पार्टी घोषणा पत्र में किसी चीज के लिए दावा करती है, कोई घोषणा करती है, तो इसके साथ ही उसको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये कहाँ से वो जनता को देंगे, यानी जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए भी जाएंगे या फिर नहीं, और अगर पूरे किए जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, क्या टैक्स का होगा या फिर अलग से पैसा आएगा, कहाँ से और कैसे करेंगे। अब इसको लेकर विपक्ष तनातनी कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि लोकतंत्र पर ये बड़ा आघात है, लेकिन सरकार क्या रुख रख रही है इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने एक लेटर लिखा है, उस लेटर में क्या कुछ लिखा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग ने फ्री का लॉलीपॉप देने वाली पार्टियों पर अब लगाम लगाने की ठान ली है। दरअसल चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल अगर कोई चुनावी वादा करते हैं तो उन्हें साथ में ये भी बताना होगा कि अगर वो सत्ता में आते हैं यानी कि सरकार बनती तो वादे को कैसे पूरा करेंगे, इस पर कितना खर्च आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए वो टैक्स बढ़ाएंगे या नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, स्कीम के लिए अतिरिक्त कर्ज लेंगे या फिर कोई और तरीका अपनाएंगे। चुनाव पत्र घोषणा में तयशुदा परफॉर्मा होगा जिसमें पार्टियों के चुनावी वादों साथ में वो कैसे पूरे होंगे इसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। पार्टियों को बताना होगा कि राज्य की वित्तीय सेहत को देखते हुए उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि इस तरह की सूचनाएं होने से वोटर राजनीतिक दलों के वादों की तुलना करके सही फैसला कर सकते हैं, और इसे अनिवार्य बनाने के लिए आयोग आदर्श आचार संहिता में जरूरी बदलाव की भी योजना बना रहा है। आयोग ने 19 अक्टूबर तक इस पर राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगा है। उसने अपने लेटर में कहा कि घोषणा पत्र तैयार करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन वो कुछ कैसे वादे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता जिनका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आयोग का ये भी कहना है कि सिर्फ वैसे चुनावी वादे किए जाने चाहिए जिनको पूरा किया जाना मुमकिन हो। तो आपने देखा किस तरीके से पार्टियों से अब राय भी मांगी गई है, लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग सख्त हो गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और चुनाव आयोग भी अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। अब जो पार्टियां फ्री 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 का लॉलीपॉप देकर सरकार बनाती हैं उन लोगों पर बड़ी गाज गिरने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष यानी कि मुख्य रूप से कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई है और वो बोल रही है कि ये लोकतंत्र पर आघात है। केंद्र सरकार को भी वो कटघरे में खड़ी कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये बेहद जरूरी था। कई दिनों से जनता भी इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह से कमेंट भी कर रही थी और चुनावी पार्टियों से उनकी राय मांगी गई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन चुनाव आयोग अब फ्री का लॉलीपॉप देने वाली जो पार्टियां हैं उन पर सख्ती रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।